दुनिया के पांच खतरनाक जानलेवा कुत्ते। कुत्तों की बात करें तो कुत्ते कई प्रकार के होते हैं। कुछ कुत्ते काफी अच्छे होते हैं जिनके साथ सभी लोग खेलने लगते हैं। वहीं कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं और उनके साथ खेलना तो दूर लोग उनको देखना से भी डरते हैं क्योंकि ये जानलेवा होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आपको पांच ऐसे खतरनाक कुत्ते के बारे में बताने वाले हैं जो कि सरकार ने बैन कर रखे हैं। नंबर एक, पेरेसा कैनेरियो। ये एक स्पेनिश नस्ल का कुत्ता है जिसका पूरा नाम पेरो दे पेरेसा कैनेरियो है। इस कुत्ते का वजन 66 किलोग्राम होता है और इसकी हाइट 26 इंच की होती है। ये एक पावरफुल और मस्कुलर डॉग है जो गार्ड डॉग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन ना किया गया तो ये काफी खतरनाक साबित होता है। 26 जनवरी 2000 को दो पेरेसा कैनेरियो ने मिलकर सैन फ्रांसिस की एक 36 साल की महिला पर हमला किया था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। यही कारण है कि यह कुत्ता आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर और यूक्रेन में बैन है। डॉग अर्जेंटीना। इस कुत्ते के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये कुत्ता दुनिया भर में मशहूर है। ये फाइटिंग डॉग नस्ल अर्जेंटीना की है जिसे खास तौर पर हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन 40 किलोग्राम तक का होता है और इसकी हाइट 27 इंच की होती है। ये डॉग ब्रीड भी लायन और प्रेटिकाउट होते हैं। लेकिन इन खतरनाक कुत्ते का कोई भरोसा नहीं कि कब अटैक कर दे और ऐसा ही हुआ। अर्जेंटीना के एक परिवार के साथ जब 2 साल के बच्चे के ऊपर डॉग अर्जेंटीना ने हमला कर दिया जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई। इस कुत्ते के खतरनाक होने की वजह से इसे आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और तुर्की में बैन कर रखा है। नंबर तीन, अमेरिकन पेटबुल टेरियर। पेटबुल को तो आप जानते ही होंगे। ये काफी पॉपुलर नस्ल है। ये नस्ल अमेरिका की है। इसकी हाइट 21 इंच की होती है और इनका वजन 27 किलोग्राम तक का होता है। ये डॉग मस्कुलर और बुद्धिमान होते हैं और साथ ही अटैकिंग मूड के होते हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कुत्ते ने 110 लोग की जान ली है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना खतरनाक हो सकता है। यही कारण है यह कुत्ता आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और हांगकांग में बैन है। नंबर चार, जापानीज टोसा। चलिए आप जानते हैं जापानीज की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड से जिसका नाम जापानीज टोसा है। इसे जापानीज मास्टिफ और टोसा किंग के नाम से भी जाना जाता है। इस कुत्ते को रेडवुड डॉग बोला जाता है जिन्हें काफी खतरनाक माना जाता है। इनका इस्तेमाल जापानीज डॉग फाइटिंग में किया जाता है। इसका वजन 61 किलोग्राम और हाइट 32 इंच की है। जापान में इस कुत्ते को सोमो सेरल जितना ताकतवर बोला जाता है और यही वजह है कि इस कुत्ते को आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पूरी तरह बैन किया गया है। नंबर पाँच, अमेरिकन बुलडॉग। इस कुत्ते के बारे में भी आपने सुना होगा और साथ ही देखा भी होगा। इस कुत्ते को इंग्लिश वाइट बुलडॉग भी बोला जाता है। इस कुत्ते की हाइट 26 इंच की होती है और इसका वजन 56 किलोग्राम तक का होता है। ये एक ताकतवर नस्ल वाला कुत्ता है। 1.5 साल के अमेरिकन बुलडॉग ने जैकनीस नामक के 10 साल के एक बच्चे को मार दिया था जिसकी वजह से इस कुत्ते को भी काफी खतरनाक माना जाता है। यह कुत्ता बरमूडा, डेनमार्की, इटली, सिंगापुर, तुर्की और यूक्रेन में बैन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको दुनिया के पांच सबसे खतरनाक डॉग के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।